गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बेटा? आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा, कोरोना से अपना बचाव करना है, मास्क का यूज़ करना है और साथ साथ आपने स्टडी भी करनी है घर पे रह के। कुछ दिनों की बात है फिर आपसे स्कूल कैंपस में मुलाकात होगी। तो बेटे, आपका आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा, मैं इसकी आज आपको बेसिक कराऊंगा कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है वेरिएबल टू के अंदर। तो पहला मेरा क्वेश्चन जो है वो ये होगा कि व्हाट इज इक्वेशन। या आप ये बताइए इक्वेशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कोई टीचर या घर पे आपसे कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है बेटे? When an algebraic expression is either equated to any other algebraic expression or equated to zero, then it becomes an equation। समझे बेटा? मैंने यहाँ लिखा है when an algebraic expression is either equated to any other algebraic expression or equated to zero, then it becomes a equation। अब बेटा ये बताओ कि algebraic expression क्या होते हैं? algebraic expression होते हैं बेटा जहाँ पे आप वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का मिक्सअप करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पे, तो मैंने लिया है देखो सिंपल सा एक्स प्लस फाइव, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको इक्वल पुटअप कर देता हूँ किसके, टू एक्स प्लस सिक्स के, तो बेटा देखो एक्स प्लस फाइव भी एक एक्सप्रेशन है अल्जेब्रिक में और टू एक्स प्लस सिक्स भी एक एक्सप्रेशन है। यदि हम इनको आपस में सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास इक्वेशन होगी या नहीं होगी। अगर मैं x प्लस फाइव को या मैं 2x प्लस सिक्स को अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके चला जाऊं तो बेटा मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस फाइव माइनस में 2x माइनस में 6 इक्वल में 0। सो वी गेट ए माइनस में x माइनस में 1 इक्वल में 0। सो बेटा माइनस x माइनस 1 इक्वल में 0, इट बिकम्स ए इक्वेशन। समझ में आया बेटा? और एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने पुटअप किया वाई प्लस सेवन इक्वल में जीरो। तो देखिए मैंने कहा था ना आपसे इक्वल, मैंने यहाँ पे जीरो पुटअप कर दिया है। आपने एग्जांपल और लिया यहाँ पे, आप कहते हैं कि सर टू जेड प्लस सिक्स इक्वल में फोर, टू जेड प्लस सिक्स इक्वल फोर। तो हमने क्या किया, टू जेड प्लस सिक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, दैट इज टू जेड प्लस टू इक्वल जीरो। ओके बेटा, ये हमारे पास बन के आया यहाँ से इक्वेशन की हमें डेफिनेशन यहाँ से डिफाइन करती है। आपका अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा बेटे, आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटे, आपने कहा सर x प्लस में 8 इक्वल जीरो। देखो बेटा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है ना, और x की यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है जिसकी मैक्सिमम डिग्री वो कितनी है। x के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा हुआ है जो कि हमें दिखता नहीं है।
सो एक्स प्लस वन एक्स प्लस एट इक्वल जीरो। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लेते हैं, सो वी पुट अप दैट एस प्लस सिक्स इक्वल जीरो। बेटा यहाँ पे एक्स जो है ना, एस वो यहाँ पे एक वेरिएबल का काम करता है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज आउट कर सकते हैं अगर हमसे कुछ कहा जाए पुटअप करने को। अब बेटे बात आएगी यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो बेटे इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म वो होती है बेटे ए एक्स प्लस बी इक्वल में जीरो। इन जनरल बेटे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर रियल नंबर। ठीक है बेटे, जनरल फॉर्म इसकी होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो, वेर ए नॉट इक्वल जीरो, जहाँ पे ए की वैल्यू कभी भी इक्वल जीरो के नहीं होगी। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो के इक्वल क्यों नहीं है, तो बेटे देखो अगर आपने यहाँ पे जीरो पुट अप किया तो ए जीरो इंटू एक्स प्लस बी इक्वल जीरो, सॉरी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो इंटू एक्स समथिंग जीरो होना है तो प्लस बी इक्वल जीरो होगा। हम यहाँ पे रीड तो कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को, बट हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, कॉन्स्टेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बी की क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हमारा मेन टॉपिक है, उसके बारे में देखिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा, जो मैंने एग्जांपल अभी जस्ट कुछ समय पहले दिया था उसमें हमने केवल यूज किया है वेरिएबल वन, एक्स लिया था मैंने, फिर मैंने एस लिया था, आप टी यू वी डब्ल्यू एटेक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहें वो ले सकते हैं ए बी सी डी के अंदर अल्फाबेटिकली। उसके बाद वेरिएबल में बात कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल टू वेरिएबल क्या होते हैं। तो अगर बेटे मैंने यहाँ पे लिख के दिया कि एक्स प्लस में वाई इक्वल प्लस सिक्स इक्वल में जीरो, तो बेटे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस में सिक्स इक्वल जीरो है। आपने और कुछ कहा कि सर वाई प्लस में जेड माइनस में फाइव इक्वल में जीरो। देखो दोनों एग्जांपल जो है ना ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है ये, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, वन है। यहाँ पे वाई और जेड दोनों की पावर हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम वन है। ये बेटे दोनों वेरिएबल में, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में एक्स और वाई वेरिएबल है, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में वाई और जेड वेरिएबल है। अब बात करेंगे यहाँ पे इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट आर जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटे वो होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। बेटे यहाँ पर जो है ए एंड बी नॉट इक्वल जीरो एंड ए बी सी एंड ए बी सी और आर रियल नंबर्स। ए बी सी जो है बेटे वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। दोबारा यहाँ पे वही बात आ गई कि यहाँ पे ए और बी जो हैं नॉट इक्वल जीरो है, अगर ये बाई चांस जीरो हो जाए तब क्या होगा। बेटे अगर यहाँ पे ए एंड बी दोनों में से यदि कोई भी एक अगर जीरो हो गया, दैट इज जीरो इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल जीरो, सो वी हैव बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। हमने देखो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जबकि देखिए आपका आंसर जो है कन्वर्ट हो किस में बन चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर। सो बेटे ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि रॉन्ग हो चुका है। सो आपके पास में जनरल इक्वेशन जो होगी वेरिएबल टू की, वो हमारे पास ये होनी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल जीरो एंड ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स। ओके बेटा, थैंक यू।